बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अली। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको हमने पहले ही पिछले लेक्चर में आपको ये सिखाया था कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो बेसिकली एडिशन रिएक्शंस देते हैं, और हमने उन एडिशन रिएक्शंस का एक नाम रखा हुआ है और वो नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी जिस मैकेनिज्म को वो फॉलो करते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक, चाहे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन स्टार्ट हो या न्यूक्लियोफाइल से। तो बेटा जी, बात ये है कि हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन हमने पढ़ लिया था, अभी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये आपके चैप्टर 10 में रिएक्शंस है, लेकर मैंने एक एक करके फिर लिख दिए हैं। जरा देखें, फॉर्मल्डिहाइड पहला है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, फॉर्मल्डिहाइड। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें जो अल्काइल होता है ना, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो इधर अटैक करेगा, और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो नतीजतन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। और फिर उस कॉम्प्लेक्स के जब हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसके नतीजे में ये एच इधर और हाइड्रोक्सल जो है वो इधर मैग्नीशियम के ऊपर, तो नतीजतन आर सी एच एच, ठीक है, ये कार्बन आर कार्बन था जो जिसको अब क्या मिल गया है, हाइड्रोजन मिल गया है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल में तब्दील हो गया है, और साथ मैग्नीशियम को हाइड्रोक्सल मिल गया, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम। तो बेसिकली जो है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है। अब देखें, एक एच की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, सी एच थ्री, तो फिर ये कौन सा एल्डिहाइड बन गया है, एस्टरल्डिहाइड। तो वही रिएक्शन है बेटा जी, सेम अंदाज है, एच की जगह पे बस सी एच थ्री है, फिर वही एसिड हाइड्रोलाइसिस है। तो अब क्या हो गया है, अगर आप देखें तो ये हाइड्रोक्सिल जो है वो सेकेंडरी कार्बन पर है, किस कार्बन पर है, सेकेंडरी कार्बन पे है, 3, 4, 5, 6 जो भी हो सकता है, 2-अल्केनोल सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। और अगर जो है वो हम दोनों हाइड्रोजन को 2CH3 के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो फिर एसीटोन यानी कीटोन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इथर मीडियम में जो है वो टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टर्शरी अल्कोहल जी। तो बना जब हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस हो गए, तो इनको बेटा जी नोट कर लेना है, क्योंकि ये 10 चैप्टर में स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दिए गए थे, लेकिन अब मैंने आपको इनकी एक लिस्ट बना दी है। तो अच्छा जी, अब हम बात करते हैं तीसरे रिएक्शंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, और वो कौन है जी, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो बेटा जी, सोडियम बाइसल्फाइड जो है उसके जब वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में जो है वो एडिशन प्रोडक्ट बनती है। अगर हम मोटा मोटा सा साफ देखें तो ये एच इधर ऑक्सीजन पे चला जाएगा और NaSO3 जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन सल्फर के जरिए से ये बॉन्ड बनता है, वो मैकेनिज्म है मैं आपको सिखाता हूँ। इस तरह से एस्टरल्डिहाइड जो है वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो एच जो है वो ऑक्सीजन के हिस्से में चला जाएगा और NaSO3 जो है वो किसके हिस्से में आ जाएगा, वो कार्बोनाइल कार्बन के हिस्से में आ जाएगा। सेम यही बड़ा एसीटोन के साथ, एच जो है वो इसके हिस्से में आ जाएगा और NaSO3 का जो वाया सल्फर जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस, तो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन के नतीजे में ये जो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो हम इन्हें कह देते हैं ना ये एडिशन प्रोडक्ट। तो ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनती है, इस एडिशन प्रोडक्ट्स को देखें जो है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये कौन है, ये अल्कोहल है, ठीक हो गया ना जी, इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, और ये कौन है, ये एल्डिहाइड है, इसमें भी क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, लेकिन ये कौन है, ये नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्कोहल्स, ठीक हो गया ना जी। और जबकि एल्डिहाइड्स कौन है जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। तो बेटा जी जो है, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास
जो है वो कोई इथेनॉल और एस्टल्डिहाइड जो है वो आपस में मिक्सअप हो गए हैं, तो आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो उस मिक्सचर में आप क्या करें, सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड कर दें बेस की मौजूदगी में। तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो अपनी एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता हुआ, अल्कोहल के साथ वो ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। इसके बकायदा वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो बेटा जी जैसे ही क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन सेपरेशन, जैसे ही आप उसमें दोबारा HCl डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे कि HCl डालेंगे तो एस्टल्डिहाइड जो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेशन, और NaCl प्लस H2 और SO2 बन जाएंगे। तो इसके यानी कि दो मैंने सिग्निफिकेंस निकाल दिए हैं, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम अल्कोहल, जो कि मैंने क्या बताया नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से डिफरेंशिएट करने के लिए भी। तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये रिएक्शंस देते हैं जबकि अल्कोहल जो है वो ये रिएक्शन नहीं देते। अच्छा जी, अब बेटा जी इसका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं, तो जरा देखिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको इसके मैकेनिज्म समझाते हैं कि, लेकिन मैकेनिज्म को शुरू करने से पहले ना बेटा जी एक चीज का ख्याल रखिएगा, सल्फर NaHSO3 जो है, सल्फर इज द सेंट्रल एटम इन बाईसल्फाइट आयन, बाईसल्फाइट आयन में सल्फर है, देखें NaHSO3 ये ऐसे Na प्लस और HSO3 माइनस, मैं जरा HSO3 माइनस को फिर आयनाइज करता हूं, ठीक हो गया ना जी। तो उसके नतीजे में जो है वो SO3 2 माइनस और H+। तो इसमें जरा SO3 माइनस 2 को जरा देखें वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक हो गया जी। ये SO3 2 माइनस मैंने आपके सामने बना दिया है। इसमें याद रखें कि सल्फर कौन है, सेंट्रल एटम है, सल्फर कौन है, सेंट्रल एटम। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, तो फिर बेटा जी 3p 6 4 10 12 3px1 3py1 3pz1 और ये। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने हैं, 2 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया ना जी, 2 8 6। तो आप SO3 को गौर से देखें तो ये जो SO3 है इसके कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए हैं अभी बॉन्डिंग में, 1 2 3 4, चार वैलेंस शेल 4 में से 6, तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर के तौर पर मौजूद हैं। अब अगर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाए, रेजोनेंस, ठीक हो गया ना जी, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाए तो भाईजान क्या हो जाएगा, O-, ठीक है ना जी। तो अब सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5, ठीक हो गया ना जी। जरा देखते जाइएगा, लोन पेयर भी एक मौजूद था, एक लोन पेयर मौजूद था, तो अब बेटा जी कितने हो गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 7। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 6, देख लें अभी भी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाए, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 6 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाए तो सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना जी, यानी अब इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 हो जानी है तो फिर इसका मतलब है कि सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो ये बड़ा जी हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो है आपके इधर पहले स्टेप में मैकेनिज्म में ये लिखा है कि NaHSO3, ठीक
ठीक है ना जी। इसको आप खोल के लिख लें ताकि आपको जरा आसानी से समझ में आए। ओ एच जी ओ माइनस और एन ए प्लस ये आयनाइज करता है, तो इसकी आयनाइजेशन से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो नतीजतन क्या हो गया एस ओ ओ टू और ओ माइनस एन ए प्लस और प्लस एच प्लस, ठीक हो गया जी। ये लिखा हुआ है ये स्टेप, बस मैंने जरा उसको ओपन करके लिख दिया है। लेकिन अब आप देखें सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो दो चार पांच और एक लोन पेयर भी है, ठीक है ना जी। दो दो चार पांच और दो सात, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सल्फर के, सात इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सल्फर के वैलेंस शेल में, और इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा माइनस, ठीक हो गया ना जी। तो ये सल्फर जो माइनस चार्ज रखने वाला है, ये सल्फर जो माइनस चार्ज रखने वाला है, ये अब न्यूक्लियोफाइल बन के किसके ऊपर अटैक कर देगा, कार्बन आयल कार्बन पे, कार्बन आयल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है उसके ऊपर अटैक कर देगा, इधर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, नतीजतन क्या हो जाएगा, अब आपकी किताब के मुताबिक ही है, नतीजतन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर ये फुल नेगेटिव चार्ज आ गया, सल्फर जो है उसके साथ जो है वो अब लिंक कर गया, देखें SO2 है तो इस तरह से आपने, यानी SO2 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं O2 और बेटा जी O माइनस Na, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये NaSO2 जो है वो कैसे लिखा गया, मेरा काम बेटा एक्सप्लेन करना है। तो अब जो है ये ऑक्सोनियम आयन, यानी कि जो सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट का आयन बना हुआ है, ऑक्सोनियम आयन जो है हम इसे हम कहते हैं, सॉरी ऑक्साइड आयन जो कह देते हैं, तो वो ऑक्साइड आयन जो है, ऑक्सोनियम नहीं ऑक्साइड आयन जो है, ये कार्बन आयल का जो ऑक्सीजन है उसका वो क्या करेगा, वो इसको क्लोज करके भी लिख सकते हैं SO2, ये दोनों SO2 और फिर ONa, ठीक हो गया ना, माइनस प्लस, तो ये जो हाइड्रोजन प्लस निकला था इसी हाइड्रोजन प्लस को वापस रीटेक कर सकता है, हालांकि हमें पता है कि पहले वो बेस के साथ रिएक्ट करना होता है, तो फिर बर जरा बड़े देखें कि मुख्तसरन बात ये है कि NaHSO3 में से, NaHSO3 में से H किसके हिस्से में आ गया, ऑक्सीजन के हिस्से में, और बाकी NaSO3 जो है वो, तो याद रखें कार्बन आयल कार्बन के साथ सल्फर बाउंड हुआ हुआ है ना के ऑक्सीजन। तो बेटा जी अगला लेक्चर जो होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन पे होगा, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, मतलब हम सब कामिना सर आमीन शुक्रिया।